सब्जेक्ट से हटकर पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट वाली फिल्म कर रहे हैं एक्टर आयुष्मान खुराना। अपने करियर की शुरुआत से ही अलग थीम पर बेस्ड मूवी बनाने वाले इस बार कॉमर्शियल और एक्शन फिल्म में नजर आ रहे हैं। रोमांटिक और सोशल कॉमेडी जैसे मुद्दों पर फिल्में करने वाले आयुष्मान खुराना अब एन एक्शन हीरो से एक्शन जोनर में कदम रखने जा रहे हैं, जिसको लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बज बना हुआ है। वैसे तो आयुष्मान की हर फिल्में ही हिट होती है और लोगों को बहुत पसंद आती है। ऐसे में फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है और इससे जुड़ी एक अपडेट सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि इस फिल्म में फीमेल लीड के तौर पर कोई एक्ट्रेस नहीं होगी। फिल्म में कोई रोमांटिक ट्रैक भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मेकर्स को ऐसा लगता है कि एक्शन जोनर के फिल्म में जबरदस्ती एक्ट्रेस या रोमांटिक ट्रैक को रखना फिल्म की अहम कहानी से दर्शकों का ध्यान भटका सकता है। लेकिन ज्यादा बोर ना करते हुए आइटम ट्रैक्स को रखा गया है, जिसमें नोरा फतेही और आयुष्मान खुराना की जेड़ा नशा गाने में देखा जा सकता है। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद आ रही है और आई कैची लग रही है। और ये एक्साइटमेंट की बात भी है कि नोरा फतेही के अलावा मलाइका अरोड़ा भी स्पेशल अपीयरेंस में है। आयुष्मान खुराना ने बताया कि फिल्म की कहानी दो लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। उनके अपोजिट में अहम रोल में जयदीप अहलावत नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि फिल्म में आयुष्मान सेलिब्रिटी मानव का किरदार निभा रहे हैं, तो वहीं जयदीप अहलावत पॉलिटिशियन भूरा सोलंकी की भूमिका में होंगे। दोनों के बीच एक बदले की कहानी दिखाई जाएगी। हालांकि फिल्म की स्टोरी को ज्यादा रिवील नहीं किया गया है, ताकि फैंस के बीच सस्पेंस बना रहे। फिल्म का निर्देशन अनिरुद्ध अय्यर ने किया है और प्रोडक्शन भूषण कुमार ने, और ये फिल्म 2 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्मों से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए बने रहे सोशल संवाद पर। मैं थी अमीषा कुमारी, धन्यवाद।